एवर्टन की बात करें तो इलेवेंथ पोजीशन पर है 45 पॉइंट्स है टॉटनम जो टेंथ पोजीशन पर है उनसे चार पॉइंट कम है मुश्किल है इनके लिए यूरोप में क्वालिफाई करना और अगर आप इनकी पांच गेम की परफॉर्मेंस देखो तो दो गेम जीती है दो गेम ड्रॉ करी है जबकि वुल्स भी पिछले पांच में दो बार हारी है और तीन बार जीती है इनफैक्ट वुल्स लास्ट दोनों गेम में हारी है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बुल्स के लिए इन टर्म्स ऑफ यू नो कमिंग बैक टू फॉर्म पिछले गेम भी को शेफील्ड के अगेंस्ट वन नील हारी थी जबकि एवर्टन ने अपने ही घर पे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वन ऑल ड्रॉ करा था तो इन पांच गेम्स के दरमियान वुल्स ने केवल चार गोल्स स्कोर करे हैं और एवर्टन ने भी चार गोल स्कोर करे हैं पर कंसीड की बात करें तो दोनों टीम्स ने रफली थ्री गोल्स कंसीड करे हैं दोस्तों अगर हम की स्टैट्स की बात करें तो की स्टैट्स में पिछले छह में से पांच वुल्स एवर्टन में ढाई गोल से ज्यादा हुए हैं इनफैक्ट अगर आप वुल्स की लास्ट सिक्स टू पॉइंट फाइव गोल्स इनकी विक्ट्री हुई है या हार हुई है और सो क्वाइट अ मिक्स बैक होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ गोल्स दैट विल बी स्कोर इन दिस गेम उम्मीद है कि दोनों टीम्स स्कोर करेंगी और इसीलिए क्लीन शीट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इस पर्टिकुलर गेम में अगर आप वुल्स और एवर्टन का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो तो वुल्स एवर्टन के अगेंस्ट पिछले पांच गेम में एक ही बार जीती है और अपने घर पे तो 2010 से एक भी बार नहीं जीती है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सपेक्टेड इलेवन की बात करें दोस्तों तो में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे दोनों टीम्स में सिमिलर टीम्स उतरेंगी जैसे लास्ट टाइम उतरी थी की प्लेयर्स में एवर्टिंग की तरफ से कैलवर्ट लुअन और रिचार्लिसन दोनों ही बहुत उम्दा प्लेयर्स हैं बिटवीन देम दे हैव 25 गोल्स एंड फोर असिस्ट इसके अलावा लूकस uh, डी uh, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस इस टीम से डिफेंडर हैं पर इनकी असिस्ट देखिए आप सेवन असिस्ट हैं अब तक इन सीजन में और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होगी आपके लिए फैंटेसी uh, टीम्स के परस्पेक्टिव से इसके अलावा वुल्स से देखिए तो जिमिनेस बहुत ही उमदा पिक है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स दैट वुल्स हैव एवर सीन फिफ्टीन गोल्स सिक्स असिस्ट इनका रिकॉर्ड एवर्टन के अकेसी बहुत बढ़िया है तीन गेम में तीन गोल्स कोर भी करें हैं और ये आज के गेम में टॉप कैप्टनशिप पिक भी जरूर माने जाएंगे इसके अलावा डियोगो जोटा है जो ऑफ लेट आफ्टर द रिस्टार्ट है, बीन एज गुड बट सिक्स गोल्स एंड वन असिस्टेंट सीजन में अब तक अडाम ट्रवरे इंपॉर्टेंट प्लेयर पर शोल्डर इंजरी है इनकी तो शायद ये बेंच से स्टार्ट करें और अपनी ग्रैंड लीग टीम्स के लिए आप ट्रवरे को जरूर ट्राई कर सकते हैं डोहैटी अनदर इन्फ्लुएंशियल पिक वैसे डिफेंडर हैं पर अभी ड्रीम इलेवन ने इनको मिडफील्डर की तरह क्लासीफाई करना शुरू कर दिया है फोर गोल्स टू असिस्ट और आपकी फैंटेसी टीम्स में मिडफील्ड में बहुत ही उमदा पिक हो सकती है ये तो दोस्तों अगर हम सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम्स की बात करें तो रिचार्लिसन जिमिनेस और जोटा ये हमारे तीन फॉरवर्ड्स होंगे जिमिनेस कैप्टन रिचार्लिसन वाइस कैप्टन जहाँ हमने एक रिस्क लिया है कि डोमिनिक कैलवर्ट लुविन को ड्रॉप किया है बिकॉज उनका फॉर्म और जोटा का फॉर्म काफ़ी सिमिलर है पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जोटा बेटर कर जाए कैलवर्ट लुवन से और इसीलिए हमने उसको लिया है यदि आप सोचते हो कि एवर्टन जीत जाएगी ये गेम तो आप कैलवर्ट लुविन को यहाँ ले सकते हैं इसके अलावा मिडफील्ड में हमने डोएटी मोतिनियोग सिगेटसन और गोमैस इन चार लोगों को रखा हुआ है डोएटी ऑब्वियसली एक पोटेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टनशिप पिक है सिगटसन फ्री किक्स में होते हैं कभी कभार तो वहाँ से भी गोल्स जाने की काफ़ी गुंजाइश है मतिनियोग कॉर्नर्स पे होते हैं तो वहाँ से असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी बेटर है इनका डिफेंडर्स की बात करें तो पट्टीशियो साइज और कोडी ये तीन पिक्स होंगे भूल से और डीन जैसे हमने कहा था एवेटिन से अटैकिंग फुल बैक है इसको हमने अपनी टीम में जरूर रखा है तो दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर डेडलाइन से ट्वेंटी मिनट पहले मिल जाएगी तो प्लीज हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो उसको प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और फुटबॉल और क्रिकेट गेम्स की एनालिसिस के साथ धन्यवाद